नमस्कार दोस्तों, तमिलनाडु के तिरुवनमलई जिले में भगवान शिव का एक अनोखा मंदिर है। अन्नामलाई पर्वत की तराई में स्थित इस मंदिर को अनमलार, अनामलार या अरुणाचलेश्वर शिव मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर पूर्णिमा को श्रद्धालुओं की खासा भीड़ उमड़ती है। खास तौर पर कार्तिक पूर्णिमा पर विशाल मेला भी लगता है। श्रद्धालु यहाँ अन्नामलाई पर्वत की 14 किलोमीटर लंबी परिक्रमा कर शिव से मन्नत मांगने आते हैं। माना जाता है कि ये शिव का विश्व में सबसे बड़ा मंदिर है। वहीं सावन के महीने में भी इस मंदिर पर लाखों भक्त जल चढ़ाने आते हैं। आइए इस मंदिर से जुड़ी कथा का श्रवण करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और शिवजी के शीर्ष को देखने के लिए उड़ान भरी। उसे देखने में असमर्थ रहने पर ब्रह्मा जी ने एक केवड़े के पुष्प से, जो शिवजी के मुकुट के नीचे गिरा था, शिखर के बारे में पूछा। फूल ने कहा कि वह तो 40,000 साल से गिरा पड़ा है। ब्रह्मा जी को लगा कि वे शीर्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे। तब उन्होंने फूल को यह झूठी गवाही देने के लिए राजी कर लिया कि ब्रह्मा जी ने शिवजी का शीर्ष देखा था। शिवजी इस धोखे पर गुस्सा हो गए और ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि उनका कोई मंदिर धरती पर नहीं बनेगा। वहीं केवड़े के फूल को श्राप दिया कि वह कभी भी शिव पूजा में इस्तेमाल नहीं होगा। जहाँ शिव जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया था, वह स्थल तिरुवनमलाई है। वहीं अरुणाचलेश्वर जी का मंदिर बना। यह मंदिर पहाड़ की तराई में है। वास्तव में यहाँ अन्नामलाई पर्वत ही शिव का प्रतीक है। पर्वत की ऊंचाई 2068 फीट है। यह पर्वत अग्नि का प्रतीक है। तिरुवनमलाई शहर में कुल 8 दिशाओं में 8 शिवलिंग इंद्र, अग्नि, यम, निरुथी, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान लिंगम स्थापित हैं। मान्यता है कि हर लिंगम के दर्शन के अलग अलग लाभ प्राप्त होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर इस मंदिर में शानदार उत्सव मनाया जाता है। इसे कार्तिक दीपम कहते हैं। इस मौके पर विशाल दीप दान किया जाता है। हर पूर्णिमा को परिक्रमा करने का विधान है, जिसे गिरिवलम कहा जाता है। आशा करती हूँ आपको आज की मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सहज ही प्राप्त हो सके। राधे राधे, हर हर महादेव।